गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप सब कैसे हैं? सभी लोग अच्छे ही होंगे और फेस्टिवल्स की तैयारियों में भी लगे होंगे। तो चलिए, आज हम डेकोरेट करेंगे करवा की छन्नी। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम लेंगे स्टेनर और उसे इंची टेप से जो है मेज़र करेंगे। ये देखिए, हमारा आया है 27 इंच और ये आया है 2.5 इंच। अब हम लेंगे रेड कलर का सॉटन का कपड़ा, जिसकी लंबाई रखेंगे 27 आया था, जिसमें से हम इसको लेंगे 2 इंच बढ़ाकर और 3 इंच ये टोटल साइड का सिल लेंगे। और फिर इसको इस साइड से, जिधर से खुला हुआ है उधर से इसको पलट लेंगे पूरा कपड़े को। फिर इसमें हम साइड से लगाएंगे किरण वाली लेस, दोनों साइड लगा देंगे यही लेस और इसे सिलकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, दोनों तरफ किरण वाली लेस लगाकर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बीच में लगाएंगे मिरर लेस बिल्कुल सेंटर में, इसको अच्छे से स्टिक कर लेंगे। फिर लेंगे हम नेट का कपड़ा, इसको सर्कल शेप में 2 पीस कट कर लेंगे और इसमें इसके चारों तरफ आपके पास जो भी लेस हो वो लगा दीजिए। ऐसे लगा लेंगे हम चारों तरफ से दोनों। ये देखिए, लेस लगाकर कंप्लीट कर लिया है हमने और इसमें भी सर्कल में भी चारों तरफ लेस लगा ली है। दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। अब हम कोई भी शाइनी कपड़ा लेंगे, आप कंट्रास्ट में भी ले सकते हैं और सेम भी ले सकते हैं, हमने कंट्रास्ट में लिया है। इसको इस तरह करके इसका भी सर्कल छोटा सा काट लेंगे, इसका सर्कल बहुत छोटा काटेंगे। अब हमने जो नेट का सर्कल बनाया था उसमें सेंटर में नहीं, थोड़ा साइड में बहुत छोटा सा होल करेंगे। सेंटर में नहीं करना है, थोड़ा साइड में ही करिएगा। ये होल कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे डोरी, जो भी डोरी आप इसमें डालना चाहें वो इसमें अंदर डाल दीजिए, इस तरह से अंदर। अब हमने जो कंट्रास्ट सर्कल लिया था उसकी किनारा साइड एकदम किनारे से पूरा सिल लेंगे और इसमें कोई भी कतरन या फिर कॉटन कुछ भी अंदर फिल कर लेंगे, इस तरह से डालकर उसे धागे को खींच लेंगे और इसे बंद कर देंगे। इससे इसको टक करने से पहले इसमें जो डोरी डाली थी वो अंदर साइड से इस डोरी का एक पार्ट इसके अंदर डालकर इसको भी इसी में अटैच कर लेंगे और इसको अच्छे से टाक लेंगे अच्छे से इसको। ये देखें, ये अच्छे से टाइट डोरी हमने इसमें टक कर ली है। अब इसको डोरी को बाहर साइड से खींच लेंगे और कपड़े को अंदर इस तरह से करते हुए सेम थ्रेड से बाहर बांध देंगे, इस तरह से नॉट लगा देंगे और ये हमारी लटकन बनकर रेडी हो जाएगी। एक ये देखिए, अब सेम तरह से दूसरी साइड भी बनाएंगे। ये देखिए, दोनों साइड हमने बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम ये जो चिपकने वाला होता है इसको एक साइड, ये इसको एक साइड अंदर साइड से लगाएंगे और स्टिक कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से स्टिक कर लेंगे। अब दूसरे पार्ट को
बाहर साइड लगाएंगे। जो ये खुला वाला पोर्शन है, इसका कपड़ा अंदर दबाते हुए अच्छे से अंदर करके फिर इसे बाहर की साइड स्टिक करेंगे इस तरह से, और इसे अच्छे से सिल लेंगे। ये देखिए हमने सिल कर रेडी कर लिया है। अब दोनों पार्टों को रख के अच्छे से ये चिपक जाते हैं। ये देखिए अब हम लटकन लेंगे और इसे कहीं भी स्टिक कर लेंगे, अच्छे से लगा लेंगे। ये देखिए हमारा बनकर रेडी है। स्टेनर में हमने इसको लगा लिया है। देखिए ये देखिए स्टेनर कितना सुंदर लग रहा है। अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ये स्वीट ट्राई करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।